गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम 11.3 कर रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो पहले पहुंचाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं समझ में आया था उसको एक बार वापस से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोग, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक है 3p और दूसरा है 4qr। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सेम वेरिएबल होते हैं उनके सेम वेरिएबल में ही प्लस माइनस और इन टू डिवाइड ही हो सकता है। जैसे x है तो x में ही प्लस माइनस हो सकता है, x में ही इन टू डिवाइड हो सकता है। तो जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म थी, क्या थी, 3 और 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब इन टू, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 और 4 का, कितना हो जाएगा 12। फिर P, Q और R का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, PQR। ठीक है, तो यह आ जाएगा। सेम वेरिएबल नहीं है इसलिए ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगला ऐसे कैसे आप देखिएगा, तो जब 2a³bc में 3c का करेंगे तो 2 3 6 a³bc हो जाएगा। c वाले में करेंगे तो 5 2 10 xy²z हो जाएगा। 7 3 xyab हो जाएगा, 21ab। अब यहां पर देखिएगा, ये पहले माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, देन यू वी और एक्स का मल्टीप्लाई होगा। फिर 3x²y का करेंगे तो 24x²y हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड के अंदर बाहर एक वेरिएबल दिया हुआ है और अंदर ब्रैकेट में एक वैल्यू दे रखी है 3a-2b और बाहर वैल्यू दे रखी है 2, और इसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, ये जो बाहर का 2 दे रखा है, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर भी दोनों तरफ होगा। तो हम यहाँ पर अंदर भी दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6a-2 2 4b। ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे। तो जब ये 8 है, 8 एल का अंदर करेंगे तो 8 8 64। एक करके बता देता हूं मैं आपको, 8 एल का करेंगे हम 8 के माइनस 8 में, तो 8 8 64, एल के माइनस 8 8 64। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 10a का 3 में करेंगे तो 30a, 10b का 10a में करेंगे तो 100ab, 7x का 6z में करेंगे, 4y में करेंगे, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी। एक ई वाला क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, जैसे -3 का अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूं 7r-8 में, तो ये कितना हो जाएगा 21r, और यहां माइनस माइनस प्लस होगा 24। इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर K3। K3 के अंदर हम देखेंगे (3m)(n²-6n+5). यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3m का n स्क्वायर में करेंगे तो 3m(n²-18mn+15m)। यस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिएगा। इसका मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ई वाले में क्या है, -9 का मल्टीप्लाई करना है (x²+xy-yz) और (+6y²). जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -9 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 9x², -9 का प्लस एक्स वाई में करेंगे तो -9xy, माइनस का माइनस में करेंगे तो +9yz, -9 का प्लस के 6y² में करेंगे तो -54y². ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस। फिर बात करते हैं A1 की।
क्वेश्चन नंबर ए वन में हमसे बोला गया है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल आर 2x प्लस 3 एंड x रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ है वो लेंथ कितनी दे रखी है 2x प्लस 3 और ब्रेथ दे रखी है x। हम यहां पर निकालना है हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 2x प्लस 3 प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर था x। जब मल्टीप्लाई करेंगे x का 2x में तो 2 तो 2 ही रहेगा। अब यहां पर देखिएगा x और x का मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोई दो सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर प्लस होती है। तो यहां पर जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हमें बोला है क्वेश्चन में द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द हाइट एंड द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की तीन चीजें दे रखी हैं, एक दे रखा है लेंथ, दूसरी दे रखी है ब्रेथ और तीसरी दे रखी है हाइट। और हमको निकालना क्या है उसका तो वॉल्यूम। तो लेंथ दे रखी थी हमको 3x, ब्रेथ दे रखी थी 2x स्क्वायर प्लस 3 और हाइट दे रखी थी 8y। और जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम क्या होता है L इंटू V इंटू H। लेंथ कितना हो जाएगा 3x, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3 और हाइट कितनी हो जाएगी 8y। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6 x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में तो x क्यूब, फिर 3 3 9x, ये तो दोनों